Hello and welcome everyone to our channel Z2I Tutorials. For those who are new, I am Salman Ahmed and I did my M.Tech from IIT Dhanbad and I have more than 6 years of experience. First of all, for those who are new and who didn't like our channel, please like, subscribe and share our channel. Today, I am going to start my first lecture of class 9th for maths, that is number system. नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज का क्लास जो होगा वो सिर्फ बेसिक क्लास होगा. बेसिक में सबसे पहला पार्ट है वो है व्हाट इज नेचुरल नंबर. ये सब लोग जानते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर. ऑल काउंटिंग नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गोज टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ऑल काउंटिंग numbers. Example 1, 2, 3, 4 up to infinity, that are natural numbers. The second thing is whole number. What is whole number? All counting number including 0 are called whole number. That means जितने भी counting numbers हैं 1, 2, 3 उसमें start करो 0 से. That means 0, 1, 2, 3 to infinity वो सारे whole numbers आएंगे. That means all counting numbers including 0 तो क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 goes to infinity. Next thing is integer. What are integers? All counting numbers, negative of counting numbers and including 0. ये हम कह सकते हैं all natural numbers, negative of natural numbers, negative of natural numbers and 0 are integers. जितने भी natural numbers हैं like 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसका negative minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, infinity and 0 जब इन तीनों को combine किया जाएगा वो integer हमारा बन जाएगा. तो हम इसे कह सकते हैं simple सा 0, 1, 2, 3, 4 goes to infinity and left side minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and goes to left right that is goes to minus infinity. ठीक है, तीन तरह के नंबर. ये बेसिक नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एंड इंटीजर्स. एक चीज़ और है, नेचुरल नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल N से, होल नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं W से एंड इंटीजर्स आर इंडिकेटेड बाई द लेटर कैपिटल जेड. ठीक है, ये बहुत जगह देखने मिलेगा. एन दैट मीन्स नेचुरल नंबर, डब्ल्यू दैट मीन्स होल नंबर एंड जेड दैट मीन्स इंटीजर. ये तीन बेसिक नंबर्स हैं जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट. अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग कि रियल नंबर्स क्या होता है. लोगों ने सुना होगा बहुत जगह रियल नंबर्स. रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. ठीक है, व्हाट आर रियल नंबर्स? इसको सिंपल से लैंग्वेज में ये समझो कि दुनिया में पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी कॉन्स्टेंट जो भी दिमाग में आ रहा हो, वो सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि सारे नंबर का फादर कौन है? रियल नंबर्स है. तो वी कैन से ऑल नंबर्स exist in the universe are called real numbers. दुनिया में जितने भी universe, जितने भी number exist होते हैं, वो सारे real numbers होते हैं. अब real numbers के अंदर categorize start हुआ है. तो real number को दो part में categorize किया गया है, जिसे पहला part कहते हैं हम rational numbers and the second part is irrational number. Irrational number, real number categorize किया गया है rational में और irrational में. इन दोनों को हम one by one पढ़ेंगे, ये syllabus में है.
ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम कि रेशनल नंबर क्या होता है। द फर्स्ट थिंग इज, द फर्स्ट नंबर इज रेशनल नंबर। ये सभी लोग जानते हैं, ये क्लास 8 में भी था। व्हाट इज रेशनल नंबर? वो नंबर जो P by Q के फॉर्म में हो या A by B के फॉर्म में हो, जिसमें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, वी कैन राइट एज ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। That means वो फ्रैक्शन जो जो कोई भी फ्रैक्शन जो p by q फॉर्म में होगा, जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज डिनोमिनेटर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म को हम कहेंगे रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 22/7, ओनली 5 क्यों रेशनल नंबर है? बिकॉज 1 यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी छुपा हुआ है। -3/4, 22/7, ये सब क्या होंगे? ये सब हमारे रेशनल नंबर है। लेकिन मैंने जो बोला है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, उसका रीज़न क्या है? एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर। अगर लिखा है 4/0, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? इसको देखते हैं ऐसे कि यहाँ क्या हो रहा है, 4 is divided by 0, तो 4 को हम 0 से डिवाइड कर कर चेक करते हैं क्या होने वाला है। क्या ऐसा नंबर है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर कभी भी 4 या उससे छोटा आएगा? कभी भी इसको ये डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, हमेशा घूम फिर के भी 4 ही आएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं कभी ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है वो है अनडिफाइन, जो कि कभी भी डिफाइन नहीं हो सकती है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, नाउ हमने देख लिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, एनी फ्रैक्शन या एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। अब इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे इसके बाद। इसे अब हम कैटेगराइज करते हैं क्या? हमें पता है कि दुनिया में जो भी नंबर है उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारा डेसिमल नंबर में आता है। कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन है डिवाइड करेंगे क्या आएगा? डेसिमल नंबर आएगा। अगर लिखा है 25 इज ऑल्सो डेसिमल नंबर। हाउ? 25.0। एनी नंबर, कोई भी नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर को हम डेसिमल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो इंटीजर दिया हुआ हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, कोई भी नंबर है वो डेसिमल नंबर हम उसको बना सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इसके बेसिस पे हमने कुछ और कैटेगराइज किया है। क्या किया है? रेशनल नंबर जो था मेरे पास, रेशनल नंबर, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो था उसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एंड द सेकेंड पार्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग है जरूर, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस आता है। एक केस आता है रेशनल नंबर में, इसका जो सेकेंड केस है वो आता है इरेशनल नंबर में। क्या डिफरेंस है? नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन साथ ही साथ वो रिपीटिंग भी होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जिसे एक शॉर्ट नाम दिया गया उसे हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो रेशनल नंबर दो पार्ट में हो गया, एक हुआ टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल नंबर में आता है। तो इस दोनों नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर के फॉर्म में आएंगे। तो अब वन बाई वन देखेंगे कि हमारा टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। पहला केस टर्मिनेटिंग का, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ वो चलता चलता क्या हो रहा है, वो स्टॉप हो जा रहा है। तो कोई भी डेसिमल नंबर डेसिमल के बाद डिजिट या डिजिट्स अगर चलकर स्टॉप हो जा रहे हैं तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। वी कैन से डिजिट्स
आफ्टर द डेसिमल स्टॉप्स और यू कैन से टर्मिनेट्स। टर्मिनेट इसमें क्या होगा कि डेसिमल जो नंबर हमारा है डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हमारे हैं वो या तो टर्मिनेट या तो स्टॉप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2.4, तो 0.4 फोर के बाद कुछ कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है, इसका मतलब 4 पे आके ये टर्मिनेट कर गया। लाइक 0.246 टर्मिनेट कर गया। लाइक 1.1/2, अब 1/2 फ्रैक्शन में है, ये क्या बनेगा 0.5 टर्मिनेट कर गया। वी कैन से 64.26439 या डिजिट के बाद 5 प्लेस आया है लेकिन ये टर्मिनेट कर गया। तो ये सारे नंबर जो हैं वो क्या आएंगे, वो होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वो नंबर डेसिमल के बाद जो स्टॉप हो जाएगा। और ये सारे नंबर किस में आएंगे, वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है जो डेसिमल के बाद स्टॉप नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा इन्फिनिटी तक। लेकिन एक इसमें एक और कंडीशन ये है कि इन्फिनिटी तक जाएगा डेसिमल के बाद लेकिन वो रिपीट करता हुआ जाएगा, मतलब कि कोई ना कोई एक डिजिट, दो डिजिट या कितने भी डिजिट्स वो इन्फिनिटी जाएंगे रिपीट करता हुआ। फॉर हम कह सकते हैं डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल नॉट टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं करेगा, बट इट गोज टू इन्फिनिटी। डेसिमल के बाद जो डिजिट या डिजिट्स हैं वो स्टॉप नहीं करेंगे, टर्मिनेट नहीं करेंगे, वो जाएंगे इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इन्फिनिटी जाएंगे लेकिन रिपीट करता हुआ, एज रिपीटिंग रिपीट करता हुआ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2.46464646, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन कंडीशन क्या है कि 464646 दो डिजिट है 46 जो रिपीट कर रहा है बार बार, तो ऐसा नंबर रेशनल नंबर होता है। और कह लेंगे 0.66666 नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये 6 इसमें रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसमें और हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे इसमें। और तो हमने लास्ट में देखा था कि रेशनल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग एंड दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रिकरिंग। टर्मिनेटिंग क्या हुआ कि वो नंबर जो कि डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाए, और रिपीटिंग क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या हुआ, दैट इज रिकरिंग, वो नंबर जो कि डेसिमल के बाद रुकेगा नहीं, वो जाएगा इन्फिनिटी तक लेकिन कोई ना कोई एक डिजिट, दो डिजिट या डिजिट्स कोई भी रिपीट करता हुआ जाएगा, तो वो दोनों केस आते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है। दूसरा इरेशनल नंबर, अभी हम लोग इसके बाद बेसिक के जान लेंगे इरेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर क्या था, कोई भी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी नंबर अगर p/q फॉर्म में नहीं बनेगा तो वो कहलाता है इरेशनल नंबर। वी कैन से दैट ए नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, रेशनल में क्या होता है p/q फॉर्म में होता है, इरेशनल में इस फॉर्म में नहीं होगा। वेयर कंडीशन वही है दैट p एंड q आर इंटीजर्स एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। p और q इंटीजर है, q जीरो नहीं होगा, और अगर ये फॉर्म नहीं बन रहा है तो वो नंबर इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया गया है, जो मैंने बोला लास्ट में कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसमें एक केस बच जा रहा है और वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग, वहां पर रिपीटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसमें क्या होगा, इसमें बात है कि कोई भी नंबर डेसिमल के बाद स्टॉप नहीं होगा, वो जाएगा इन्फिनिटी तक लेकिन बिना रिपीट करता हुआ, मतलब रैंडमली चेंज होता हो जाएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल नॉट स्टॉप, वो
रुकेगा नहीं, और उसका आगे मैंने कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब वो एंड गोज टू इन्फिनिटी विदाउट रिपीटिंग, बिना रिपीट करता हुआ जाएगा, तो वो आता है किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर में, जो कि इरेशनल नंबर का पार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट एज 2.467329... यहाँ क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, लेकिन वो डिजिट कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, एक पैटर्न नहीं बन रहा है, वो बिना रिपीट क्या कह सकते हो कि रैंडमली वो आगे जा रहा है. और यू कैन से, और कोई भी नंबर ले लो लाइक रूट टू, कितने वैल्यू होती रूट टू की 1.414... इसमें भी क्या होता है कि कोई पैटर्न नहीं बनता है, वो आगे आता है. उसके बाद और रूट थ्री क्या होगा 1.738... और क्या होगा पाई. पाई में एक एक्सेप्शन है, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो होता है रेशनल नंबर, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म बन रहा है. लेकिन पाई की जो डेसिमल नंबर होता है देखिए 3.14 ये आता है इरेशनल नंबर में. पाई की वैल्यू 3.5 जो है वो आता है इरेशनल नंबर में, लेकिन जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 22/7 वो आती है रेशनल नंबर में. सो हमने आज बेसिक देख लिया कि कुछ नंबर के बारे में, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है. रेशनल नंबर को कैटेगराइज किया दो पार्ट में, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और एक और था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल नंबर के फॉर्म में आता है. यहाँ हमने एग्जांपल देख लिया कैसे होता है रूट टू रूट थ्री, और इरेशनल नंबर क्या होता है वो भी समझ लो थोड़ा सा, कि इरेशनल नंबर में कौन से रूट आते हैं. वो सारे रूट जिस रूट के अंदर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, रूट के अंदर अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो वो सारे रूट क्या होंगे, वो सारे रूट जो है वो इरेशनल नंबर आएंगे. फॉर एग्जांपल अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फोर, फोर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर टू का है इसलिए वो नहीं आएगा, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट एट, अंडर रूट नाइन, नाइन परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट नाइन नहीं आएगा, अंडर रूट टेन. तो रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आया तो वो रेशनल नंबर होगा, अगर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो सारे इरेशनल नंबर में आते हैं, दैट इज उसका जो वैल्यू होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है. तो आज का लेक्चर बेसिक था, इसलिए बेसिक बता दिया गया, बाकी जो तुम्हारा सिलेबस है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा. सो इफ यू लाइक टुडेस लेक्चर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट to hit the bell icon so that you will get the notification of the next lecture. For today, thank you.